और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस होगी कि नहीं होगी, ये सवाल लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर जहां एक तरफ सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को जमानत मिल जाती है, लेकिन 13 अप्रैल की सुनवाई में फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन इसी से पहले राहुल गांधी को फिर से घेरने की कोशिशों में मोदी सरकार की तरफ से प्रयास शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से राहुल गांधी को घेरने की फिर से कोशिश की जा रही है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा हैं। आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा ने कहा है कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अडानी समूह से जुड़े एक ट्वीट को लेकर मानहानि का मामला दायर करेंगे। सरमा ने गुवाहाटी में कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मानहानि का मामला 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुवाहाटी दौरे के बाद दायर करने की बात कही है। आपको बता दें, जहां 13 अप्रैल राहुल गांधी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, वहीं 14 अप्रैल को फिर से उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 13 अप्रैल को सुनवाई फिर से होनी है सूरत कोर्ट में इसी मामले को लेकर, मोदी सरनेम मामले को लेकर। लेकिन इसी बीच हेमंत शर्मा ने जो ये बयान दिया है कि वो 14 अप्रैल को मानहानि को लेकर एक याचिका दायर करेंगे, केस दायर करेंगे, तो यहाँ पर राहुल गांधी को घेरने के फिर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर CM हेमंत शर्मा ने कहा, राहुल गांधी ने जो कुछ भी ट्वीट किया है वो अपमानजनक है, प्रधानमंत्री के राज्य से रवाना होने के बाद हम जवाब देंगे। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से मानहानि का मामला गुवाहाटी में दायर किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही के वर्षों में पार्टी छोड़ने वाले कुछ नेताओं पर तंज कसते हुए कहा था कि अडानी मामले पर सच्चाई छिपाने के लिए रोजाना ध्यान भटकाया जा रहा है, जिसमें तमाम मंत्री कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने गुलाम नबी आजाद का नाम लिया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया था, किरण कुमार रेड्डी और अनिल के अंटानी का नाम लिया था। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि ये सच्चाई को छुपाने के लिए इस तरीके से रोज भटकाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अब एक और नाम जुड़ जाता है, हेमंत का नाम जुड़ जाता है, असम के मुख्यमंत्री हैं और राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।